वेलकम बैक टू स्टॉक्स हो पाओ यूट्यूब चैनल। तो आज आप इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट भी आप देखेंगे। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन स्टॉक की बात की जाए तो 24.40 पे क्लोजिंग दी थी फ्राइडे के दिन। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन स्टॉक ने तकरीबन 5 पैसे की तेजी की गिरावट देखने को मिली थी आईआरएफसी स्टॉक के अंदर। फ्राइडे के दिन में कोई खास मूवमेंट देखने को नहीं मिली थी। जो यहाँ पे लास्ट वीक में जो तेजी देखने को मिली थी उसने यहाँ पे एंडिंग में कोई खास मूवमेंट देखने को नहीं मिली थी। तो सबसे पहले न्यूज़ के ऊपर नजर डालेंगे आईआरएफसी स्टॉक के, तो देख सकते कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कंपनी क्वार्टर टू प्रॉफिट सजेस्ट 40% टू ₹1,714 करोड़। आईआरएफसी डिविडेंड 2022 न्यूज अनाउंसमेंट चेक रिकॉर्ड डेट एक्स डेट। आईआरएफसी की भी यहाँ पे अपडेशन डिविडेंड अनाउंसमेंट हो चुका है। तकरीबन क्वार्टर प्रॉफिट टू प्रॉफिट जो है 14% ऑफ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि राइज देखने को मिला है क्वार्टर टू के में। यहाँ पे आप देख सकते हैं मीन जो कि अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला है स्टॉक के अंदर। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन स्टैंडर्ड नेट प्रॉफिट राइजेस 14% ऑफ इन सेप्टेम्बर क्वार्टर। तो देखा जाए तो देख सकते कि चेक रिकॉर्ड डेट एक्स डेट आईआरएफसी लिमिटेड का जो है पे आप देख सकते डिविडेंड जो है वो अनाउंसमेंट किया है, उसी के ऊपर नजर डाली जाए तो देख सकते कि तकरीबन आईआरएफसी शेयर डिविडेंड न्यूज रिकॉर्ड डेट यहाँ पे देखा जाए तो देख सकते आईआरएफसी रूल पे 8% डिविडेंड टू इट इन्वेस्टर्स। डिविडेंड रिकॉर्ड डेट फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज नवंबर 18। तो ये आप ध्यान में रख सकते हो बात को। तो देख सकते कि आईआरएफसी के जो बाकी के डिटेल है वो भी यहाँ पे हम लोग चार्ट के ऊपर नजर डालेंगे। तो चार्ट के ऊपर नजर डाली जाए तो देख सकते स्टॉक के अंदर देख सकते कि पिछले वीक में देख सकते कि स्टॉक ने यहाँ पे 25 लेवल पे पिछले रेजिस्टेंस लगता हुआ नजर आ चुका है। रेजिस्टेंस लगते गिरावट हो चुकी है यहाँ पे आप देख सकते पिछले 2 दिनों में। पर 25 लेवल एक बार ब्रेक होकर ऊपर सेटल होता है स्टॉक तो ऊपर जाने के चांसेस बन सकते हैं। पर रिसेंटली देखा जाए तो देख सकते कि तकरीबन गिरावट होती हुई नजर आ चुकी है। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट आईआरएफसी स्टॉक के लिए।